नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश लाल यादव ने रहुआ पिछले दो दिनों से जिले में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस दौरान दिनेश लाल यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश ने केवल अपने घर का विकास किया, लेकिन जहां जहां उनका गढ़ रहा है वहां विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आने वाले 50 सालों तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व अभिनेता दिनेश लाल यादव लोकसभा उपचुनाव को लेकर जहां अपनी सक्रियता बढ़ा दिए हैं, वहीं चढ़ते पारे के बीच सब बाढ़ को तीखा करना शुरू कर दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 3 साल बनाम भाजपा को 2 साल का समय दिए जाने की मांग को लेकर दिनेश लाल यादव चुनाव प्रचार शुरू कर दिए थे, लेकिन टिकट के प्रति दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आश्वस्त नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताया जाएगा, क्योंकि आजमगढ़ को डबल इंजन वाली सरकार से जुड़ना बहुत जरूरी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने माना कि जब नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते प्रदेश में उनकी सरकार थी तो उन्होंने बहुत काम कराया, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब न उनकी सरकार है और न आगे आने वाली है, तब वे जिले में काम कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा कि अब आने वाले 50 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने कहा कि आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ है, अगर गढ़ नहीं होता तो वे आजमगढ़ की 10 सीटें जीत नहीं पाते, लेकिन सवाल यह है कि उनका गढ़ ही क्यों पिछड़ा है। शूटिंग के दौरान वे पश्चिम गए, उनके घर पर विकास हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जहां जहां उनका गढ़ है वहां विकास क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों को भाजपा को जिताना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का बचा है। 3 सालों में अखिलेश यादव ने कितना विकास किया, 2 वर्ष में भाजपा उनसे बेहतर विकास न करे तो वर्ष 2024 के आम चुनाव में बदल दीजिएगा। जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही जनता का भी मन बन चुका है। मुख्य उद्देश्य तो यही है हम लोगों का कि आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ा जाए, और जिस रूढ़िवादी प्रथा में हमारा आजमगढ़ और गाजीपुर फंसा हुआ है, और जिस तरह से ये लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि समय के साथ बदलाव होता है और बदलना चाहिए, बदलाव ही संसार का नियम है। तो जब पूरा प्रदेश बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है, तो आजमगढ़ क्यों नहीं बदल रहा है? आजमगढ़ किस भ्रम में है? क्योंकि आप देख लीजिए कि कहते हैं कि ये आजमगढ़ जो है वो सपा का गढ़ है, पर ये बात क्यों नहीं सोचते हैं कि जो जहाँ जहाँ गढ़ है वही पिछड़ा है, बाकी क्यों नहीं पिछड़ा है, बाकी क्यों आगे बढ़ गया? आप गोरखपुर को देख लीजिए, आप बनारस को देख लीजिए, आप बाकी ज़िलों को देख लीजिए, वहाँ इतनी तरक्की हुई, इतना विकास हुआ, ये आजमगढ़ और गाजीपुर क्यों ऐसे पिछड़ा रह गया, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। एक बार हमको विचार करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ गलती हो कहाँ रही है। तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है कि जिसे हमारे आजमगढ़ के लोगों ने चुना था, अपना प्रतिनिधि चुना था कि ये संसद में जाके हमारी बात करेंगे, उन्होंने बीच में ही आजमगढ़ को छोड़ दिया। तो अब मुझे लगता है कि आजमगढ़ के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो सरकार के साथ जुड़े, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस बार तो हम लोग भी यही चाहते हैं, और जो जनता की नब्ज हम लोग देख रहे हैं उनको भी ये चाहिए, वो लोग भी चाह रहे हैं कि कमल खिले आजमगढ़ में, ताकि यहाँ भी संपूर्ण रूप से विकास हो। क्योंकि सरकार में जो लोग रहते हैं निश्चित रूप से उनके पास इतनी ज़्यादा पकड़ होती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पे प्रतिनिधि जीतता है, प्रत्याशी जीतता है, तो वो अपने पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, उनसे अगर एक एक काम लेके भी आजमगढ़ में आए तो पूरा आजमगढ़ में काम की भरमार हो जाएगी। तो इस बार तो आजमगढ़ को चूकना नहीं चाहिए, कमल का बटन दबाना है और कमल ही खिलाना है आजमगढ़ में। देखिए, अभी तक कोई पार्टी की तरफ से किसी का नाम घोषित नहीं किया गया है, और पूरी पार्टी ही हम सब लोग ये विचार कर रहे हैं कि यहाँ से
किसको लड़ाया जाना चाहिए, जनता किसको चाहती है, तो जिसका भी नाम आएगा, जिसको भी लड़ाया जाएगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता यही होगी, हम सब की प्राथमिकता यही है कि हम किसी भी हाल में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की जीत तय करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उससे आजमगढ़ के लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आजमगढ़ के लोगों को भी ये बात पता है कि उन्होंने बाकी सबको देख लिया है, तो अब दो साल की बात है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको आगे के लिए अच्छा रहेगा तय करने के लिए कि हमने किसी को 3 साल समय दिया था, उन्होंने क्या किया, और 2 साल ही अगर भारतीय जनता पार्टी को हमने दिया तो उसने क्या किया, तो आगे के लिए उनको भी निर्णय लेने में आसानी रहेगी। 24 में फिर चुनाव है, तो एक बार मुझे तो यही लगता है, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ सबसे कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताइए, ताकि आप ये तय कर पाए कि जो जिनको आप चुने थे वो अच्छे थे या अभी जिनको आप चुन रहे हैं वो अच्छे हैं, फिर आगे आप डिसीजन ले पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। मैं तो लगातार यहाँ लगा रहा और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम लगी रही, और मेरी टीम ने पूरे 5 विधानसभा में कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पे जो सरकार की योजनाएं थी वो भी पहुँचाने का काम किया, और पर्सनल लेवल पे जो हम लोगों को करना पड़ा वो भी हम लोगों ने किया, चाहे वो आपके आजमगढ़ के सदर सीट पे हो या जितनी भी हमारी विधानसभा सीटें हैं, जहाँ जहाँ कोरोना काल में जिसको भी जिस मदद की ज़रूरत पड़ी, और वो तो छोड़ दीजिए, आप आजमगढ़ में रहने वाले लोगों की बात छोड़िए, आजमगढ़ के लोग पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में थे और उन्होंने अगर मदद की गुहार लगाई कि हम भैया आजमगढ़ से हैं और हम बेंगलोर में फंसे हुए हैं या हम पंजाब में फंसे हुए हैं, हमको आजमगढ़ पहुँचने का कोई माध्यम नहीं है, तो हम लोगों ने उनको वहाँ से आजमगढ़ लाने का काम किया, उनकी मदद किया, उनको पैसे दिए, उनको जो ज़रूरत थी हम लोगों ने पूरा किया। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कोई कह सकता है कि हम लापता रहे। मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि चुने गए थे अखिलेश यादव जी, वो जितना आए होंगे उससे 20 गुना ज़्यादा हम लोग आजमगढ़ में रहे हैं और आजमगढ़ के बीच में लोगों से मिलके उनकी समस्याओं पे काम किए हैं। और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जितना वहाँ की समस्या को आप लेके आते हो, जितना वहाँ के लोगों के बारे में आप बताते हो आकर के, मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता थोड़ी कंफ्यूज हो गई, नहीं तो आपको चुना होता तो आजमगढ़ में और ज़्यादा विकास होता, ये मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से ये बात कही, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं यहाँ से कभी लपाता रहा हूँ। कि अगर वो गढ़ मान रहे हैं तो उनका गढ़ तो है, अगर गढ़ होता नहीं तो वो 10 सीटें यहाँ से नहीं जीत पाते, तो गढ़ तो हम भी कह रहे हैं कि वो अपना गढ़ मानते हैं, पर उनका गढ़ ही क्यों पिछड़ा है वो भी तो सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि जहाँ जहाँ उनका गढ़ है आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप नज़र दौड़ाइए देखिए, जहाँ उनका घर है वहाँ तो बड़ा विकास हुआ है। मैं भी जाता हूँ पश्चिम में शूटिंग करने जाता हूँ मैं उधर, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ तो बड़ा विकास हुआ है, तो उनका गढ़ क्यों पिछड़ा है, जो आपका गढ़ है वो पिछड़ा क्यों है, ये सवाल तो है आपसे, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ तो वही तो है, वही तो बात है कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने काम किया, और इस बात से मैं भी नहीं नकार रहा हूँ कि जब यहाँ से नेताजी जीते थे तो उन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत काम किया, पर अब बात यह है कि आने वाले 50 सालों में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, तो क्या करेंगे फिर, इसको पीछे ही लेके जाएंगे कि जिसकी सरकार है और जिसकी सरकार बन रही है और बनने वाली है और लगातार बनने वाली है उसके साथ जाएंगे, ये तो हमको सोचना पड़ेगा ना आजमगढ़ को, कि वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने काम किया, ये हम भी मानते हैं कि उन्होंने काम किया, पर ना अब उनकी सरकार है ना आगे उनकी सरकार कभी आएगी, तब काम करेंगे कहाँ से, उनके साथ रह के आजमगढ़ करेगा क्या। सरकार पर भी तो आरोप है कि सरकार ने एकदम भूल गए आजमगढ़ जिले को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आजमगढ़ को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल नहीं भूली है, आप देख लिए हमारे आजमगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय दे दिया, अभी आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो ही गया, और यहाँ पे जो हम लोग भले चुनाव हारे यहाँ पे, लेकिन आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सरकार तक तो हम लगातार पहुँचा रहे हैं, चाहे वो पुरानी जेल की ज़मीन पे एक अच्छा पार्क, मॉल,
पार्किंग, ये सारी चीजें बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया। उसके अलावा जो आजमगढ़ का मास्टर प्लान है उसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया है। जो जो यहाँ की समस्याएं वो समस्याएं तो हम लोग हल करवाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो आजमगढ़ को छोड़ दी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीती है तो यहाँ के लिए काम ही नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। काम तो हो रहा है पर उस तेजी से नहीं हो रहा है जिस तेजी से होना चाहिए, और उस तेजी से तब होगा जिसको आप प्रतिनिधि चुनते हैं वो प्रतिनिधि आपके लिए काम करेगा ना। अब कहने का मतलब ये है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय भी लोग कह रहे थे कि वो बड़े नेता हैं, तब भी मैं ये बात कहता था कि तो बड़े नेता नहीं चाहिए, वो नेता चाहिए जो यहां पे रहे, यहां समझे यहां दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। बड़ा नेता है तो भाई बड़ा नेता को समय कहां है, बड़ा नेता तो पूरे प्रदेश में अपना देखेंगे, देश में देखेंगे, उनको सिर्फ आजमगढ़ पे फोकस करने के लिए समय कहां मिलेगा। तो मैं यही बात कहता था कि बड़े नेता की जरूरत नहीं है, ऐसे नेता की जरूरत है जो यहां रह सके, यहां के लोगों से मिल सके, जमीन पे देख सके कि क्या चीजें हैं, किन चीजों की आवश्यकता है, और उसकी मांग उठा सके, उसके लिए काम कर सके। तो मुझे लगता है कि अब जो है आजमगढ़ को ये समय मिला है और भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 2 साल का कार्यकाल बचा है। अगर 3 साल उन्होंने अखिलेश यादव जी को जिताया था और उन्होंने जो किया उससे अगर बेहतर 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ना करे तो फिर बदल दीजिएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।